मरीजों के इलाज के लिए भी जो कोविड हॉस्पिटल हैं उसमें चाहे ऑक्सीजन बेड है, आईसीयूज बेड हैं, वेंटिलेटर्स हैं, सरकारी प्राइवेट सबको मिलाकर के पर्याप्त व्यवस्थाएं ये हमने की हैं। टेलीकॉलिंग के माध्यम से भी होम आइसोलेशन के मरीजों को ट्रैकिंग प्रणाली प्रभावी ढंग से ये सब विकसित की गई, और इसी प्रकार जिन्हें परामर्श की आवश्यकता थी घर पर जाकर मरीजों को परामर्श देना तो ये भी शुरू किया गया। आवश्यकता पड़ने पर उनको उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती किया गया, उनको दवाई पहुंचाई गई ताकि किसी को किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। आज हम काफ़ी एक सुखद स्थिति में ऐसा कह सकते हैं कि जितने हमारे मरीज थे लगभग 2.5 लाख मरीज ये पॉजिटिव आए, जिसमें से आज 98% से ऊपर रिकवरी उन पेशेंट्स की हो चुकी है। मोर्टेलिटी रेट 1% के लगभग है। हालांकि जो हमें इस नाते से इस बीमारी के कारण से जिनका स्वर्गवास हुआ, जिनका निधन हुआ, उनकी उनका भी बड़ा बड़ा हमें अफसोस है, बड़ा कष्ट है, दुख है, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि जितनी बड़ी महामारी थी उसमें हम बहुत कुछ जिसको कहना चाहिए काबू पाने में हमारे जो सारे डिपार्टमेंट सब लोग उसमें सफल रहे। अब चूँकि अगला फेज़ है कि इस बीमारी को किस प्रकार से रोका जाए, तो ये जो वैक्सीन लगाने की तैयारी हुई है, कोविड-19 वैक्सीन लगाने की जो तैयारी है ये हमारी पूरी हो चुकी है। दो जो टीके हैं दो प्रकार के वो आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत हैं। हरियाणा में इन टीकों का उपयोग हम कर रहे हैं, जिसमें कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन भारत बायोटेक, ये दो प्रकार की वैक्सीन अपने यहाँ आई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पाल ने भी जब ये हमको बताया कि दोनों टीके बहुत सुरक्षित हैं, क्योंकि तरह तरह की शंकाएं ये पैदा की जाने लगी थी, तो एक अथॉरिटी के रूप में डॉक्टर पॉल ने इसके बारे में घोषणा की। तो मेरा निवेदन है कि हर एक को इसको लगवाना चाहिए, लेना चाहिए।